हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्लीव कटिंग करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज में किसी भी तरह की स्लीव बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से फोर फोल्ड किया है और ऊपर की तरफ से ये हम 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। ये मैं 3/4 लेंथ स्लीव बना रही हूँ। तो देखिए, इसलिए हमें इसे ऊपर से सबसे पहले सीधा करना है। कोई भी हमें स्लीव हो या कोई भी कपड़ा कटिंग करना हो, पहले हम उसे ऊपर से सीधा करेंगे और बाद में इस पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मैंने ऊपर की तरफ से सीधा कर लिया और नीचे 3 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आपका जितना आर्म होल है उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें और इस तरह से हम इसे गोलाई में मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी जो स्लीव की है ये शेप आ जाएगी और जो स्लीव की लेंथ है वो है 17 इंच। तो मैं यहाँ पे 17.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से आप किसी भी साइज की किसी भी तरह की स्लीव की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जितनी हमारी स्लीव की बॉटम है वो वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और ऊपर वाले निशान से इसे मिला देंगे इस तरह से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जैसे हम कुर्ती है या ब्लाउज है कुछ भी कटिंग करते हैं तो फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, इसलिए हमें स्लीव में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ, और ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से जो हमारी स्लीव की कटिंग है वो बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से हो जाएगी। इसे आर्म होल में सेट करने के लिए जितनी आपका आर्म होल है उस हिसाब से मार्क करके इसे आप स्टिच कर लेंगे। एक तो बाजू एकदम से बहुत ही अच्छी आएगी आर्म होल में। तो देखिए, इस तरह से हमारे बाजू की जो कटिंग है वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।